नस्कोर फिनेंशियल सर्विसेज में योगदान करने के लिए आपको स्वागत है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, शायद आप लोग मेरा बहुत सारा वीडियो भी देखे हो, और आज मैं ये वीडियो सेशन कर रहा हूँ कैसे आप सेटलमेंट स्टेटस रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से। सेटलमेंट कैसे रिमूव करते हैं सिविल रिपोर्ट से, इसके लिए मैं एक सेशन किए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे मगर हर किसी का आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम था। मेरा जो शेड्यूल था उस टाइम पे मैं सारा हर किसी का आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं और एक सेशन आज रखा हूँ ताकि आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हो और आपका जो पर्सनलाइज क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। कैसे आप सेटलमेंट रिमूव करोगे ये दिखाने से पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सेटलमेंट है क्या। मान लीजिए आप कोई लोन लिए हो और वो लोन आप सही टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक महीने डिले हुआ है, दो महीने डिले हुआ है, तीन महीने डिले हुआ है, उसके बाद लोन एनपीए में चला जाता है, जिस टाइम पे आपका सबस्टैंडर्ड हो जाता है और ये सबस्टैंडर्ड 12 महीने तक चलता है, मगर आपका जो लोन खाता है वहाँ पे लोन आपको रिपेमेंट नहीं होने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होते जाता है, ड्यू चार्जेस भी होता है, पेनल चार्जेस भी लगता है, तो लोन अमाउंट और भी बढ़ जाता है। बैंक के खाता में आपका जो लोन है वो एसेट के हिसाब से दिखाया जाता है, मगर एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो बैंक के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए बैंक क्या करता है आपको फोन करेगा और आपको एक ऑफर देगा कि आप लोन रिपेमेंट कर दो, उसके उसमें मैं कुछ डिस्काउंट देंगे। आप वो जो ऑफर है उसको मान लेते हो और पेमेंट करते हो, तो उसके बाद इसको सेटलमेंट हो, आपको सेटलमेंट लेटर मिलेगा, जो क्लोजर लेटर मिलेगा वो सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज सेटल करके आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे बैंक सिविल में जो रिपोर्ट भेजेगा आपका स्टेटस में सेटल स्टेटस या तो सेटलमेंट स्टेटस दिखाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा ही एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ, आप थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे कि सही तरह से वो रिपोर्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये जो कस्टमर है मुकुल बैनर्जी, इनका मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेटल्ड स्टेटस और सेटलमेंट स्टेटस देखने के लिए मिलेगा आपको। कोई एक मेरे को रिस्पॉन्स करोगे कि ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये रिपोर्ट दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है? कैन यू से मी येस और नो? थैंक यू। चंदन जी बताए कि दिखाई दे रहा है, तो चलो ठीक है, मैं रिपोर्ट को लेके डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मुकुल मैडम का जो रिपोर्ट है, अब अकाउंट सेक्शन में जाइए, अकाउंट सेक्शन में देखिए ये जो अकाउंट है यहाँ पे सेटलमेंट लिखा हुआ है, अकाउंट को सेटल किया है, उनका एक क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड में उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया, पूरा पेमेंट ना करके कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ये अकाउंट क्लोज किया है,
इसलिए यहाँ पे सेटल्ड शो कर रहा है, कार्ड बैलेंस जीरो दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग डेट भी दिखाई दे रहा है। 2003 में उन्होंने लिए थे और 29/12/2006 में ये क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया है, मगर पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा और एक केस में वो सेटलमेंट स्टेटस दिखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे सेटल्ड लिखा नहीं आता है, वहाँ पे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल शो करता है। तो कौन केस में होता है? पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट उस केस में होता है जहाँ पे कोई कस्टमर लोन लिया है, लोन लेने के बाद पूरा पेमेंट सही टाइम पे नहीं कर रहा है, मान लीजिए 1 महीने डिले किया है, 2 महीने डिले किया है, 3 महीने डिले किया है, उसके बाद वो अकाउंट चले जाते हैं एनपीए स्टेज में और एनपीए स्टेज में कंटिन्यू 12 महीने के लिए करेगा तो सब स्टैंडर्ड रहेगा, मगर उसके बाद भी कस्टमर पेमेंट नहीं किया होगा तो बैंक उसको उनका जो अकाउंट है वहाँ से उनको बैड डेट कर देता है, लॉस अकाउंट कर देता है। तो ये हर बैंक में एक ही टाइम पे करता है ऐसा नहीं है, अलग अलग बैंक में अलग अलग सिस्टम रहता है उस अकाउंट को लॉस अकाउंट में दिखाने के लिए। जब वहाँ पे लॉस अकाउंट शो करता है सिविल में उस अकाउंट के लिए जो मैसेज भेजता है, स्टेटस दिखाता है, वो रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करता है। ये आपका अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद, रिटर्न ऑफ होने के बाद आप बैंक में अप्रोच करोगे कि मैं आप लोन क्लोज कर देंगे और आप पूरा पैसा पे नहीं करोगे, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके डिस्काउंट लेके आप वो अकाउंट क्लोज करोगे, तो उस केस में पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट शो करता है। वो भी मैं दिखाता हूँ, देखिए और भी स्क्रॉल करते हैं, इन्होंने बहुत सारा अकाउंट है मुकुल मैडम का रिपोर्ट में। देखिए मैं जैसे बोल रहे थे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल्ड सबको दिखाई दे रहा है, पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल्ड अब दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा यस करके बताइए ये पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल्ड शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये अकाउंट रिटर्न ऑफ होने के बाद उन्होंने क्लोज किया है कॉम्प्रोमाइज करके डिस्काउंट लेके, इसलिए यहाँ पे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट शो कर रहा है। यहाँ लिखा है POST, उसके बाद ब्रैकेट में WO दिखाई दे रहा है, WO का मतलब होता है रिटर्न ऑफ और उसके बाद सेटल्ड, तो ऐसा भी लिखा आता है रिटर्न ऑफ होने के बाद आप कॉम्प्रोमाइज सेटल करोगे। तो फिर भी इस अकाउंट में आपको जो अकाउंट नंबर बैंक का नेम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ये बैंक है, इसलिए यहाँ पे ये सारा डिटेल नहीं शो कर रहा है। मैं और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये पैसा बाजार से लिया हुआ रिपोर्ट, यहाँ पे कंपनी का नाम भी मिलेगा, जैसे कि ये अकाउंट देखिए, जो अकाउंट में वहाँ पे दिखाए थे क्रेडिट कार्ड, ये सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे सेटल स्टेटस शो कर रहा है। और दूसरा अकाउंट मैं जो दिखाए थे आपको पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट, वो भी दिखाता हूँ। इस अकाउंट में राइट ऑफ शो कर रहे हैं, फिर भी वो जो अकाउंट है थोड़ा टाइम दीजिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सिटी कॉर्प फाइनेंस का ये जो अकाउंट है पर्सनल लोन है, पोस्ट WO सेटल शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अकाउंट पहले राइट ऑफ हो गया था, उसके बाद इन्होंने क्लोज किया है, तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट WO सेटल शो कर रहे हैं। कंपनी का नाम भी यहाँ पे है और अकाउंट नंबर भी यहाँ पे है। अब डायरेक्टली सिविल के साइड से रिपोर्ट उठाओगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा। सिविल के साइड से कैसे सिविल रिपोर्ट निकालते हैं उसके लिए मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्री रिपोर्ट भी आप ले सकते हो, पहला जो रिपोर्ट होगा वो फ्री रिपोर्ट मिलेगा। इसके लिए आपको विजिट करना है www.civil.com, वहाँ पे आपको रिपोर्ट फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए मेरा यूट्यूब में वीडियो है, वो वीडियो पहले देख लीजिए, आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं उठाया तो वहाँ पे देख के आपको आसान रहेगा सिविल रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए। अभी टॉपिक में आते हैं, कैसे आप
ये सेटलमेंट रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से। इसके लिए आपको जिस बैंक से लोन लिए हो, जहाँ पे आपका सेटलमेंट हुआ है, वहाँ पे अप्रोच करना होगा, क्योंकि जो अमाउंट आपने डिस्काउंट लिया है वो अकाउंट में आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे तो सेटलमेंट रिमूव नहीं होगा कभी, क्योंकि आपसे पेमेंट बिना सेटलमेंट रिमूव करने के लिए डिस्प्यूट रेज कर दोगे या तो कॉम्प्लेन करोगे, तब आपका सेटलमेंट रिमूव नहीं होगा आपका अकाउंट से। इसके लिए आपको बैंक में अप्रोच करना है, अप्रोच करके उनको रिक्वेस्ट करना है, उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस था इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, मगर अभी मैं पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ और वो अकाउंट को मैं पूरा पेमेंट करके स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरा सिविल रिपोर्ट से ये सेटल स्टेटस रिमूव हो जाए। पॉज करता हूँ। ওমা আরে আমি অনলাইনে ট্রেনিং করছি, তোর সাউন্ড চলে যাচ্ছে ওর মধ্যে। সরি থোড়া টেকনিক্যাল প্রবলেম হওয়া থা, আভি সাউন্ড আ রহা হ্যায়, বডি আভি সাউন্ড আ রহা হ্যায়, কিসি নে বাতাও কি সাউন্ড আ রহা হ্যায় কি নেহি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? तो बैंक में आपको अप्रोच करना होगा पूरा पेमेंट करने के लिए। अब जैसे वहाँ पे पूरा पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको सिविल में वो पेमेंट रिसीट और एनओसी लेटर आपको भेजना होगा। फिर से आप एनओसी ले लो, क्योंकि पहले जो एनओसी लिए थे वो एनओसी सेटलमेंट था, अभी फर्दर आप एनओसी ले लीजिए कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है और अभी कोई ड्यू नहीं है, वहाँ पे सेटलमेंट लिखा नहीं आना चाहिए एनओसी में। और वो जो पेमेंट रिसीप एनओसी बैंक पे भी आप कस्टमर सर्विस में ईमेल कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सिविल में रिपोर्ट भेजे, क्योंकि आप यहाँ पे पेमेंट करोगे और वहाँ पे वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, बैंक सिविल में इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, तो उस केस में आपका सेटलमेंट स्टेटस रिमूव नहीं होगा। ये जो बैंक में पेमेंट करने वाला स्टेज है, आप बैंक में पेमेंट करने के लिए जाओगे कभी कभी डिफिकल्टी फेस कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बैंक मैनेजर ये बोलते हैं कि आपका अकाउंट पहले, ये बात सही है, आप एक बार सेटलमेंट करके अकाउंट क्लोज कर दोगे, उसके बाद बैंक मैनेजर वहाँ पे फर्दर पेमेंट नहीं ले सकते उस अकाउंट में। मगर यहाँ पे प्रोविजन है, आप बैंक का जो पूल अकाउंट है, जनरल अकाउंट है, वहाँ पे पेमेंट करके भी ये सेटलमेंट स्टेटस जो है वो अकाउंट से रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है, बैंक मैनेजर ये बात नहीं मानेगा तो आप बैंक का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उस लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि फर्दर पेमेंट लेके आपका जो अकाउंट है उसको स्टैंडर्ड किया जाए, ताकि सिविल रिपोर्ट में जो सेटलमेंट स्टेटस शो कर रहे हैं वो सेटलमेंट स्टेटस रिमूव हो जाए। जहाँ तक प्राइवेट बैंक जो है, NBFC है, वहाँ पे ये प्रोसेस आसान रहता है। हम लोग जो प्रैक्टिकली देखे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हम लोग हर महीने करते हैं, प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक, NBFCs जो है, कोटक बैंक है, यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस में मेल लिख के भेजोगे कि आप फर्दर पेमेंट करना चाहते हो उस अकाउंट में सेटलमेंट रिमूव करने के लिए, वो ग्लैडली एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे जो आपने पेमेंट नहीं किए थे सेटलमेंट के टाइम पे, उस अकाउंट में वो लोग जितना डेफिसिट अमाउंट था वो पैसा लेके क्लोज कर देते हैं और सेटलमेंट भी रिमूव करते हैं। कोई कोई बैंक जो प्रिंसिपल अमाउंट था और उस टाइम पे जो डेफिसिट अमाउंट था वो अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, इसमें कोई जनरल रूल्स नहीं है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कितना पैसा लेगा, मगर वो जो पैसा मांगेगा वो पैसा दे दोगे और पेमेंट करोगे तो आपका अकाउंट स्टैंडर्ड क्लोज होगा और सेटलमेंट भी रिमूव होगा। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि सेटलमेंट अकाउंट जो होता है वो साइड लाइन में चला जाता है, वहाँ पे आप फर्दर पेमेंट करोगे तो रेगुलर अकाउंट जैसा वहाँ पे सिविल में अपडेट नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कब ये अकाउंट क्लोज हो रहा है, स्टैंडर्ड हिसाब से क्लोज हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, 45 डेज के अंदर में आपका सिविल में अपडेट नहीं हुआ तो आप पर्सनली बैंक के साथ फिर से कम्युनिकेट कीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है, फिर उसके बाद भी आपका सिविल रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है, फर्दर मेल कीजिए कस्टमर सर्विस में। मेल करने के बाद फिर भी आपका जो सेटलमेंट है वो रिमूव नहीं हो रहा है तो उस केस में आप बैंक का जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे भी आप कंप्लेन कीजिए, में भी बताए कि आपने फर्दर पेमेंट किया है, अभी तक सेटलमेंट नहीं रिमूव हो रहा है। जहाँ तक पीएसयू बैंक जो है वहाँ पे सेटलमेंट रिमूव करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जहाँ तक पीएसयू बैंक में ये कल्चर अभी तक आया नहीं है, बैंक मैनेजर को पता भी नहीं चलता है कि एक बार अकाउंट सेटल होने के बाद भी वहाँ पे पैसा लिया जाता है, पैसा लेने के बाद वो सेटलमेंट भी रिमूव होता है, वो लोग डायरेक्टली डिनाई कर देता है पेमेंट लेने के लिए। तो उस केस में आप ज़रूर उनका जो रीजनल हेड ऑफिस है या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए पेमेंट लेने के लिए। मगर एक चीज़ जरूर याद रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे डिमांड लेटर ले लीजिए या तो ईमेल में कन्फर्मेशन ले लीजिए कितना पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपको बाद में जाके दिक्कत हो सकता है। ओके, तो पेमेंट करने के बाद आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कीजिए, रिटर्न कंप्लेन भी कर सकते हो। कैसे आप डिस्प्यूट करोगे, कैसे आप रिटर्न कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो है, वो वीडियो फॉलो करके आप खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हो, सेटलमेंट का जो प्रॉब्लम है सिविल में रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सेटलमेंट कैसे रिमूव करते हैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो आप चेक कर लीजिए। सेटलमेंट के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए राइट ऑफ है या तो कोई गलत अकाउंट चला है आपका सिविल रिपोर्ट में जहाँ पे सेटलमेंट शो कर रहा है, वो अकाउंट आपका है नहीं, कैसे आप वो अकाउंट रिमूव करोगे, उसके लिए मेरा अलग अलग वीडियो है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं ये जो चैट बॉक्स है यहाँ पे दे देता हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो रुकिए, मैं दे देता हूँ वो लिंक, कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरा। ये मेरा YouTube चैनल है, शायद आप लोग देखे हो मेरा वीडियो और चैनल, नहीं देखा इससे पहले नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा सिविल रिलेटेड और लोन रिलेटेड। I got two. यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। One is from the job. He is working in an IT company. And the second one is I've invested some money in some paper assets. इस लिंक पे क्लिक करके आप सारा वीडियोस देख सकते हो। I've been working for more than 18-20 years. Think about this. कोड जो होता है वो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, कैसे आप सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे, कैसे आप कंप्लेन करोगे, कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं Q&A सेशन कर रहा हूँ, आपका मन में कोई सवाल है सेटलमेंट रिलेटेड वो सवाल आप पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं करेंगे। उस दिन जो लोग को आंसर नहीं मिला है, जो लोग क्वेश्चन किए थे, सवाल पूछे थे, तो अभी वो लोग प्रेजेंट यहाँ पे रहोगे तो आप अभी सवाल पूछ सकते हो, कैसे आप सेटलमेंट रिमूव करोगे इसके लेके। अभिजीत मित्र गुड इवनिंग, सुनीता गौरा जी गुड इवनिंग, कुमार जी सेटलमेंट रिलेटेड कोई सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हो, पुनीत जी पूछ सकते हो सेटलमेंट रिलेटेड कोई सवाल आपका रहेगा तो मैं जरूर आपका सवाल का आंसर करेंगे। सुनीता जी आपने पूछा है हाउ टू रिमूव सोल्ड लोन स्टेटस इन सिविल, आपका कोई खुद का लोन दूसरे किसी बैंक में सोल्ड हुआ है तो लोन एक्चुअली आप रिमूव नहीं कर सकते हो सिविल रिपोर्ट में, मगर वहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटस रहेगा तो आप नेगेटिव स्टेटस रिमूव कर सकते हो। आप क्लियरली बताइए कि आपका किस टाइप का प्रॉब्लम है सिविल रिपोर्ट में, क्योंकि सोल्ड अकाउंट आपका सही रहेगा तो ठीक है, मगर सोल्ड अकाउंट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है वहाँ पे
राइट ऑफ स्टेटस रहता है, या तो आपने लोन पेमेंट नहीं किया किए हो, इसलिए वो अकाउंट सोल्ड किया जाता है। बैड लोन किसी एसेट डिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेता है और खरीदने के बाद अप्रोच करता है जो लोग पेमेंट नहीं किया। तो ऐसा कोई केस होगा तो आप क्लियरली मेंशन कीजिए, मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। चंदन जी, आपका कोई सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हो सेटलमेंट रिलेटेड। सेटलमेंट के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम जैसे कि राइट ऑफ, या तो आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर मैसेज है वो भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं सेटलमेंट के अलावा दूसरा कोई सवाल नहीं का आंसर नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अब बताइए, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। If you have any question, you can ask me now. या सेटल पुनीत जी, सेटल अकाउंट आप रिमूव नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सेटल स्टेटस रिमूव कर सकते हो, जो मैं वीडियो का शुरुआत में ये बता रहा था। सेटल कैसे आप रिमूव कर सकते हो सेटलमेंट स्टेटस, शायद आपने वीडियो शुरुआत में ज्वाइन नहीं किया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जिस अकाउंट में आपका सेटलमेंट है उस बैंक के साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करके आपको आपको पूछना होगा कि कितना पेमेंट आपको करना है, जितना पेमेंट आपने पहले नहीं किया था डिफिजिट अमाउंट वो पूछ लीजिए। बैंक आपको बताएगा कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा अकाउंट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तब भी आपका वो सेटलमेंट जो स्टेटस है वहाँ से रिमूव होगा। तो बैंक में आप पूछ लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप जरूर वहाँ से मिला है, क्लोजर लेटर मिला है, शायद वहाँ पे सेटलमेंट और या तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट लिखा है। यहाँ पे आपको सारा सही तरह से पेमेंट हुआ है लोन और कोई ड्यूज नहीं है ऐसे लिखा रहना चाहिए, तो एनओसी आपको मिलेगा। तो उसके बाद वो पेमेंट रिसिप्ट और एनओसी के साथ आप सिविल में भेज दीजिए, नया कंप्लेंट कर दीजिए, बैंक को भी भेजिए वो पेमेंट रिसिप्ट और एनओसी कस्टमर सर्विस में, ताकि आपका जो सिविल रिपोर्ट है वहाँ से सेटलमेंट स्टेटस रिमूव हो जाए। पुनीत जी, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जरूर आपको बताएंगे। ये लाइव शो आप लोगों के लिए है, ताकि मेरा जो वीडियोस है वहाँ पे सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, या तो मैं क्लियरली आपको समझा नहीं पाया, तो यहाँ पे आप पूछिए, मैं आंसर देने के लिए ये लाइव सेशन कर रहा हूँ। चंदन जी, आपका कोई क्वेश्चन है? पुनीत जी, प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट करता है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप वहाँ पे ईमेल कीजिए, ठीक है, कस्टमर सर्विस में ईमेल कीजिए और वहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी में आप बताइए कि उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था इसलिए मैं सेटल किया था, अभी आप पूरा लोन पेमेंट करना चाहते हो तो वो लोन पूरा क्लोज करना चाहते हो ताकि सेटलमेंट रिमूव हो जाए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट क्लोज हो जाता है, नहीं ले सकते हैं, जहाँ तक ब्रांच मैनेजर लोग इनकार कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट क्लोज होने के बाद उस अकाउंट में फर्दर पेमेंट नहीं होता है। वो बैंक का जो जनरल अकाउंट रहता है, पूल अकाउंट रहता है, वहाँ पे पेमेंट लेने के बाद वो अकाउंट नॉर्मल क्लोज होता है, स्टैंडर्ड होता है। लगीता मैडम, आपने पूछा है, क्लोज माय लोन बट LHS इज शोइंग इन रिपेमेंट हिस्ट्री, कैन आई रिमूव दिस? यस, आपने पेमेंट करने के बाद LHS रिमूव कर सकते हो, पूरा आपने पेमेंट किया होगा तो, मगर LHS रिमूव होता है आपका सिविल रिपोर्ट में जो हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री का एंड में LHS रहेगा, तो LHS रिमूव होके स्टैंडर्ड होना चाहिए, या तो ट्रिपल कॉज, नहीं तो ट्रिपल जीरो होना चाहिए। LHS तो जरूर रिमूव होना चाहिए, मगर
आपका सिविल रिपोर्ट के बीच में रहेगा तो वो एलएसएस स्टेटस रिमूव नहीं होता है। मैं दिखाता हूँ आपका वो रिपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूँ कहाँ पे रिमूव होता है और कहाँ पे नहीं रिमूव होता है। ये देखिए यहाँ पे जो रिमूव यहाँ पे जो रिपोर्ट है देखिए ये है आपका रिपेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे क्या डिले पेमेंट शो कर रहा है 11 डेज 10 डेज 71 डेज, मगर ये अकाउंट जैसे क्लोज हो चुका है इसलिए यहाँ पे एसटीडी दिखा रहा है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। मगर यहाँ पे एलएसएस आएगा तो आपका ये स्टैंडर्ड हो जाएगा या तो ट्रिपल जीरो होगा, नहीं तो नेक्स्ट महीने में स्टैंडर्ड ट्रिपल कॉस्ट या तो जीरो दिखाएगा। मगर नहीं इस जगह में अंदर में दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसे में दिखा शो कर रहा है, यहाँ पे एलएसएस आएगा तो इस जगह में एलएसएस नॉर्मली रिमूव नहीं होता है। मगर आप प्रॉक्सी देके इसको डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो, कभी कभी वो भी रिमूव हो जाता है। तो किया है जैसे कि कोटक बैंक में जो रिटर्न ऑफ अकाउंट रहता है, जो सोल्ड हुआ अकाउंट जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पेमेंट लेने के बाद राइट ऑफ रिमूव करते हैं, वहाँ पे बहुत डिले पेमेंट रहता है, डीपीटी शो करता है। जब वो अकाउंट क्लोज कर देता है कस्टमर, वहाँ पे राइट ऑफ के साथ साथ वो जो हिस्ट्री रहता है वो भी क्लियर कर देता है, तो ये चांस भी आप ले सकते हो। लोकित मैडम आपको समझ में आया मेरा सवाल, मेरा आंसर आपको समझ में आया, नहीं आया तो जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताएंगे। अभिजीत मित्रों ने कहा है हाउ कैन आई रिमूव बजाज फाइनेंस सेटल अकाउंट। जी बजाज फाइनेंस में सेटल अकाउंट ऐसा रहेगा तो कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग पर्सनली अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेटल अकाउंट में डिस्प्यूट रेज करोगे तो आपका पूरा पेमेंट हुआ होगा तो सेटलमेंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। वो लोग अभी क्या कर रहा है, एक लेटर भेज रहा है जहाँ पे आपको सिग्नेचर करके भेजना पड़ रहा है, मगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके सच में ही सेटल किया है और वहाँ पे सेटलमेंट स्टेटस शो कर रहा है तो उस केस में अभी वो लोग डिनाई कर रहे हैं, इंटरनल चेंजेस हो रहा है जिसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अभी वो अकाउंट क्लोज हम लोग सेटल रिमूव नहीं कर सकते और फर्दर पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। बाद में ऐसा कोई प्रोसेस हम लोग का स्टार्ट होगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, और हम लोग सेटलमेंट भी रिमूव कर देंगे, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखिए, इस तरह स्थिति होगा तो आपको लगे रहना है, वहाँ पर जरूर पूछना है कि भाई लोन ले लो, पैसा ले लो ताकि मेरा ये सेटलमेंट रिमूव हो जाए और फर्दर मेरे को लोन मिले, क्योंकि आप लोग ये पैसा नहीं लोगे और सेटलमेंट रिमूव नहीं होगा तो मेरा आगे चल के कोई किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, ठीक है, और उस वजह से सेटलमेंट करना भी पड़ता है। तो उसका नेचर ऐसा नहीं है कि लोन लेने के बाद पैसा नहीं पेमेंट करना, मगर बाद में जब पैसा आ रहा है तो पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा कंपनी दूसरा बैंक ऐसा ले रहा है, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ले रहा है, बहुत सारा PSU बैंक भी ले रहा है जहाँ पे पेमेंट लेके फर्दर उसको स्टैंडर्ड बना रहा है, अकाउंट में अकाउंट को सही कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस भी ले सकता है, ठीक है। अभी के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कस्टमर के लिए, हम लोग भी रिक्वेस्ट किया है, वो लोग बताया हाँ ठीक है, हम लोग जरूर भेजेंगे कि ये प्रॉब्लम सही करने के लिए। ओके समझ में अभिजीत, मिस्टर अभिजीत, मुनलाम जी गुड इवनिंग, आपने पूछा है रॉन्ग लोन विथ राइट ऑफ स्टेटस रिफ्लेक्टिंग इन माय सिविल रिपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड अ डिस्प्यूट सो विल इट रिमूव आफ्टर द रेजोल्यूशन प्रोसेस। मैडम डेफिनेटली रिमूव हो, कोई गलत एंट्री आपका सिविल रिपोर्ट में चला जाएगा तो जरूर रिमूव होना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि 30 डेज के बाद भी रिमूव नहीं होता है, ऐसा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जिस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है वो बैंक सिविल में सही टाइम पे रिपोर्ट नहीं भेजता है, 30 डेज हो जाने के बाद भी रिमूव नहीं होता है, उसके क्या करना है, फर्दर डिस्प्यूट रेज करना है, कुछ रिटर्न कंप्लेन करने का प्रोसेस भी है। अब मेरा चैनल में वो वीडियो देख सकते हो, हाउ टू राइट रिटर्न कंप्लेन, वो भी डिस्प्यूट रेज करने का एक सेकेंड तरीका है, ऑनलाइन में आप कर सकते हो, और नहीं होगा तो आप ग्रीवेंस कर सकते हो, नोडल ऑफिसर को ईमेल भी कर सकते हो, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा। और जिस बैंक में ये प्रॉब्लम हुआ है उस बैंक पे भी आप कंप्लेन कीजिए डायरेक्टली, ताकि आपका जो गलत लोन शो कर रहा है आपका सिविल रिपोर्ट में वो रिमूव हो जाए।
ठीक है लाम जी, ये आपको समझ में आया है? थैंक यू पुलोकिता मैडम, आपका ये जो आपका सवाल का आंसर मैं दिया हूँ आपको समझ में आया है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके पूछिए, क्योंकि सेशन अभी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं 10 बजे के अंदर में ये जो सेशन है कंप्लीट कर देंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद भी आपका मन में कोई सवाल रहेगा आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और ऐसा हो कि आपने अभी सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे YouTube में जो लाइव सेशन होता है, अब तो मेरे को देख सकते हैं, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ और आपका वॉइस भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तो इसलिए मेरा गूगल मीट फ्री वेबिनार भी मैं स्टार्ट किया हूँ, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वेबसाइट में लिंक है, उस लिंक पर आप रजिस्टर कर लीजिए, मैं वो लिंक भी यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आप मेरा जो गूगल मीट है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी कमिंग सैटरडे गूगल मीट कर रहा हूँ, फ्री वेबिनार जो है, फ्री सेमिनार जो है वो 12 बजे से शुरू होगा, उस सेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली मेरा साइट में जाके भी कर सकते हो। रजिस्टर नाउ, ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं ये लिंक आप लोगों को दे देता हूँ चैट बॉक्स में। इस लिंक पे क्लिक करके आप सेमिनार में ज्वाइन कर सकते हो। सेमिनार में मतलब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सिंपल फॉर्म है, सिर्फ आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है और हम लोग आपको गूगल मीट का जो लिंक है वो हम भेज देंगे। उस लिंक में क्लिक करके आप जो गूगल मीट होगा मेरा जो फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कैसे डिस्प्यूट रेस करते हैं वो लाइव दिखाएंगे, और उसके बाद भी क्यूएनए सेशन भी मैं करेंगे वहाँ पे। राम जी, आपको मेरा आंसर समझ में आया है? समझ में नहीं आएगा तो आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हो। चंदन जी, आपका कोई सवाल रहेगा तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हो। मैं किसी का क्वेश्चन स्किप कर गया हूँ, ऐसा होगा तो आप जरूर क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो, ताकि मैं आंसर कर पाए। कि मैं हर किसी का आंसर का सवाल क्वेश्चन का सवाल हर किसी का आंसर जो था वो मैं दे दिया हूँ। तो आज ही मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये जो लाइव सेशन है, मेरा जो यूट्यूब लाइव सेशन है। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चाहे तो मेरा यूट्यूब में जो वीडियोस है वो देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल देख के आपको ज़रूर हेल्प होगा सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करने में। कोई सवाल रहेगा तो मेरा कॉमेंट करके वहाँ पे पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करेंगे। और साथ में मेरा जो फ्री वेबिनार है कमिंग सैटरडे, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। Thank you for joining everybody. Good night.